हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2019 के जो फिजिकल एडमिट कार्ड जो आ चुके हैं फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है, सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट खुली है फ्रेंड्स। इस जो वेबसाइट का लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर अपना जो है पीईटी का जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये अभी अभी की न्यूज़ है, सबसे लेटेस्ट न्यूज़ है, आपको ये यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको किस तरीके से हम अपना एसएससी जीडी का जो 2019 का कांस्टेबल का जो फिजिकल का एडमिट कार्ड है वो किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से नहीं। तो फ्रेंड्स, इस जो वेबसाइट का जो लिंक है, सीआरपीएफ वेबसाइट का लिंक जो है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और आप वहाँ से जाके उस पर क्लिक करके आप अपना इसी तरीके से जैसे मैं आपको बताऊँगा इस तरीके से अपना जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम किस तरीके से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट खुली है सीआरपीएफ की, तो आपको राइट साइड में दिख रहा होगा कैंडिडेट लॉगिन, मैं आपको बता दूं। देखो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको इसी तरीके से आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो मैंने आपके सामने कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दो कॉलम्स दिखाई देंगी, यहाँ पे आपको दो कॉलम्स दिखाई देंगी, एक तो यहाँ पे रोल नंबर है पहले वाले में आपको रोल नंबर डालना है और दूसरे वाले में डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डायरेक्टली डेट ऑफ बर्थ है, और तीसरे वाले में आपको डालना है ये कैप्चर कोड जो है। तो मैं बता देता हूँ, मैंने आप एक कैंडिडेट्स का जो पहले से ही डाले हुआ है, मतलब डेट ऑफ बर्थ भी और जो है रोल नंबर भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको इसी फॉर्मेट में डालनी है जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। पहले डे आएगा, मतलब तारीख आएगी और फिर मंथ आएगा और फिर ईयर आएगी, बिना किसी स्पेस के और बिना किसी स्लेस के। तो फ्रेंड्स, इसी फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है और रोल नंबर आपको पहले वाले कॉलम में फिल कर देना है, और आपको फिर लास्ट में आके ये जो कैप्चर कोड है ये लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, 9461, आपको ये डाल देना है। ये डाल के आपको जो है साइन इन पर क्लिक कर देना है, आपको दिख रहा होगा साइन इन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, आपका जो है एडमिट कार्ड यहाँ पे खुल के आ जाएगा, शो होके आ जाएगा। ये कैंडिडेट्स की डिटेल्स हैं जो भी है, तो मैं आपको एडमिट कार्ड बता देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, आपको सामने खुल के आएगा डैशबोर्ड और आपको लेफ्ट साइड में आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है तो आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे शो हो जाएगा जैसे कि ये शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप जो इस कैंडिडेट्स का जो है, मैं आपको बता दूँ कि इस कैंडिडेट्स का कहाँ पे है एग्ज़ाम्स। तो फ्रेंड्स, डेट भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो, आपको यहाँ पे पढ़ना है, आपको ये पीईटी की डेट है, इसकी पीईटी एंड पीएसटी एंड पीईटी डेट लिखे हुए है 26/8/2019, मतलब 26 अगस्त को इसका जो है फिजिकल है और आपको इसका जो मेरठ में फिजिकल है आप देख सकते हैं, और रिपोर्टिंग टाइम जो है आप इसका 5:30 AM है, बस 5:30 बजे इसको रिपोर्ट करना है, और आपको सीआरपीएफ मेरठ सेंटर में जो इसका 108 बटालियन में इसका जो फिजिकल होगा। तो फ्रेंड्स, ये अभी अभी न्यूज है। यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि ये आपको न्यूज़ हेल्पफुल लगी हो और आपके जो ये मतलब की न्यूज़ हो तो प्लीज़ आप कर सकते हो हम मेरा चैनल सब्सक्राइब, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि और कैंडिडेट्स को भी मालूम हो सके कि हमारे जो पीईटी के एडमिट कार्ड है एसएससी जीडी के आ चुके हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि और कैंडिडेट्स को भी मालूम हो सके कि हमारे पीईटी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि ये न्यूज़ बहुत ही सॉलिड आपके लिए है। थैंक यू।